हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था कि जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप किया जाए, ताकि मोटो व्लॉग वाला सेक्शन भी अपने चैनल पे शुरू किया जाए। तो आज हमारे पास ये सारा सेटअप है यहाँ पे। इसके अलावा आई थिंक हमें कोई और ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यह है मेरा यहाँ पे हेलमेट, जो कि है एग्जॉर का। तो ये काफ़ी पुराना हेलमेट है, मैं इसको 2018 से आई थिंक यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं इसको अभी। सबसे पहले आते हैं हम माइक पे। तो काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखने के बाद, काफ़ी सेटअप्स देखने के बाद, मतलब दिस वॉज दी चीपेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गेट। तो ये मोआनो का जो है लेवलियर माइक्रोफोन है, इसको आपको छुपाना पड़ता है हेलमेट में। तो अभी चलिए इसको ओपन करते हैं। ये है सबसे पहले माइक। इसकी खास बात ये कि इसकी केबल जो है वो थोड़ी छोटी है, तो इसको छुपाना थोड़ा आसान होगा माइक हेलमेट में, और आपको परेशान भी नहीं करेगी केबल। तो इसको साइड में रखते हैं। तो गोप्रो के अडेप्टर में डायरेक्टली ये जो है केबल नहीं जाएगी, तो उसके लिए आपको अडेप्टर चाहिए होगा। ये दो यहाँ पे क्लिप्स मिलती हैं आपको। तो ये है हमारा माइक का पूरा सेटअप। तो इसके बाद गोप्रो को हेलमेट पे लगाने के लिए मैंने एक्शन प्रो का ये मंगाया है। तो ये है एक्शन प्रो का जो गोप्रो माउंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को अजीब लगी हुई है कि इसके साथ स्क्रू नहीं दिया गया टाइट करने का, वो होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो आप इसको ऐसे डालेंगे और आप यहाँ पे अपना गोप्रो जो है लगा सकते हैं। तो ये जो है चिन माउंट है, ये यहाँ पे जाएगा और हेलमेट के यहाँ पे, और अंदर से जाके जो है इस तरीके से आप इसको अंदर टाइट कर देंगे, तो ये यहाँ पे फिट होएगा। तो अभी हमें इसकी प्लेसमेंट देखनी है, थोड़ी देर में देखते हैं इसको करके। तो आते हैं अभी इस पर। ये मैंने एक नई साइट से पहली बार ट्राई किया है। साइट का नाम है आई एम ए स्टूडेंट। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। उलानजी G94 प्लास्टिक कैमरा के जाता है फॉर गोप्रो के लिए, व्लॉगिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ उलानजी का, जो गोप्रो हीरो 9 और 10 के लिए आता है, वो प्लास्टिक केस या व्लॉगिंग केस आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपको दो शू माउंट दिए होते हैं, कोल्ड शू माउंट फॉर लाइट एंड माइक। ये आपको अमेजोन पे मिल जाता है 1500 के आसपास का, बट यहाँ पे सबसे सस्ता था, इसलिए मैंने इस साइट से मंगाया, इस बार ट्राई किया है। और ये सिंपल सी पैकेजिंग में अंदर G94 की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिलती है। तो आप इसको पीछे करेंगे और ऐसे ऊपर से पुल करेंगे, इसको पीछे करके ऐसे आप पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाता है। तो अभी हम इसमें अपना गोप्रो डाल के देखते हैं, बट उससे पहले चलते हैं इस आखिरी पैकेट को ओपन करते हैं। इसके अंदर है गोप्रो का माइक अडेप्टर। तो दोस्तों, ये है गोप्रो का माइक अडेप्टर, प्रो 3.5 mm माइक अडेप्टर, जो कि उस केस के साथ जाएगा। और इसका जो MRP है ये 4500 है, बट ये अराउंड 3600-3800 के अराउंड रहता है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये है सिंपल सा अडेप्टर। यहाँ पे ये USB-C पोर्ट दिया गया चार्जिंग के लिए, ये है माइक्रोफोन के लिए, और ये है पोर्ट USB-C जो आपके गोप्रो के अंदर जाएगा। तो उसको ये कन्वर्ट करता है चार्जिंग पोर्ट में और माइक्रोफोन में। तो चलिए अब अपने गोप्रो के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो दोस्तों, इस माउंट को आपको यूज़ करने के लिए गोप्रो का ये जो साइड वाला पैनल होता है, ये आपको निकालना होगा। तो इसको निकाल लेते हैं हम। इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो ये निकल गया है। तो सेम यही वाला यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है साइड का जो बम्प है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये भी ओपन करना है, साइड से ही ओपन करना है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस केस में डालने के बाद ये जो है वाटर प्रूफ नहीं रहेगा आपका गोप्रो। तो यहाँ पे जो है ये ओपन एरिया दिया गया ताकि आप इसको आसानी से ऑन ऑफ कर सकें। यहाँ पे बटन दिया गया स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आसानी से। ये एक माउंट है, ये एक माउंट है। तो आप यहाँ पर लाइट या माइक्रोफोन लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। इसकी बैटरी बहुत ही लो है, तो अभी इसको रखते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ऐसे इसमें डालना होगा, एंड देन फिर ये घुमा के यहाँ पे आपको ऐसे कनेक्ट करना होगा। तो केबल थोड़ी सी ऐसे मुड़ी रहेगी, आई थिंक इसके डैमेज होने के चांस हैं, जल्दी ख़राब होगी। बट आपको बार बार इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार कनेक्ट कर दिया तो कर दिया। उसके बाद आप ये माइक डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। गाइस, तो सेटअप इज़ डन। गोप्रो हमने बाहर लगा दिया है। ये अडेप्टर यहाँ पे जो है थोड़ा सा लंबा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा केबल वायर छोड़ी है ये माइक की, ताकि अगर मेरे को चलते हुए इसको एडजस्ट करना हो। अभी थोड़ा सा ढीला है जो इसका माउंट है, उसको एक बार सही करना है। हे गाइस, तो ये कैमरा यहाँ पे सेटअप कर लिया है मैंने, बट अभी शायद थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, आई डोंट नो कैसा रिकॉर्ड होगा। तो इसको एक बार आउटडोर एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा रहता है। हे गाइस, व्हाट्सअप। सो आज हम दोबारा से अपने माइक्रोफोन सेटअप की टेस्टिंग करने आए हैं मोटो व्लॉगिंग। कल जो हमने टेस्टिंग की थी उसमें कोई आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी।
तो यार ये है अपनी बाइक जो कि 2015 में मैंने ली थी, 7 साल पुरानी है, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350। तो दोस्तों आज हम जो है अपना नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप टेस्ट करने जा रहे हैं। आई होप अभी जो कैमरा की पोजीशन है वो सही है। इससे पहले जो मैंने ये हेलमेट माउंट लिया था उसमें जे हुक वाला सेटअप था, एक्शन प्रो का था वो, बट उसमें कभी भी मैं माइक और इसके साथ, तो इससे पहले का जो मेरा हेलमेट माउंट था उसमें मैं कभी भी अपना कैमरा की पोजीशन जो है वो सही नहीं कर पाया था। अभी भी मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है कैमरा एक साइड में झुका हुआ। और देखते हैं अभी घर जाके पता लगेगा कि कैमरा की फुटेज कैसी आ रही है। तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने हेलमेट माउंट लिया था ये गोप्रो के लिए, एक्शन प्रो कंपनी का था वो, बट वो जे हुक वाला था तो वो मेरे हेलमेट के साथ ना उसकी पोजीशन फिट नहीं हो पाई थी। कई लोगों के लिए वो फिट हो जाता है उनके हेलमेट की शेप के हिसाब से आई गेस, तो इसीलिए मैंने अभी ये दूसरा मंगाया। तो इसमें जो हुक है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, मतलब उसको आप निकाल नहीं सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं अपने एडवांटेजेस हैं, बट मेरे लिए जो है इस कैमरा के हिसाब से इसकी पोजीशन अभी तक तो सही लग रही है मुझे। तो ये अपनी जो बाइक है ये 7 साल पुरानी है, 2015 मार्च मैंने ली थी, अब मार्च आने वाला है 2022 का। यहाँ पे लेक रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी तक जो है बेसिकली मैं कैमरा की पोजीशन सेट नहीं कर पा रहा था एक्शन प्रो के ऊपर, और इससे पहले भी अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें हेलमेट ओपन था, हेलमेट का शीशा खुला हुआ था, तो मेरे को नहीं पता आपको जो है वॉइस कैसी आ रही होगी। बट अभी हम अपना नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे माइक में भी पुराने वाले में प्रॉब्लम थी, तो उसमें क्या था आवाज़ कभी रिकॉर्ड होती थी कभी नहीं होती थी, तो आई थिंक वो TRRS अडेप्टर वाला जो चीज़ थी वो फॉल्टी थी, क्योंकि माइक को जब मैं लैपटॉप में लगा के वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था तो हो जा रही थी हर बार। तो मैंने उसको भी रिप्लेस किया, नया माइक आया। इस यार एक सस्ते मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए आई थिंक यार आपका सबसे पहले तो एक कैमरा होना चाहिए। तो यार अभी मैंने माइक हटा लिया, अब देखते हैं कि कैसी वॉइस आएगी। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि यार एक अच्छे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक कैमरा होना चाहिए। अब चाहे आप वो गोप्रो ले या फिर SJ कैम लें या और भी कोई जो एक्शन कैमरा बजट कैमराज अवेलेबल हैं वो लें, बट एक कैमरा होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप इजीली मतलब बहुत ही कम प्राइस में जो है इसको अपने उस पर माउंट कर सकते हैं हेलमेट पे। तो इसमें बहुत सारे जो है ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो अपना गोप्रो के साथ बेसिकली कुछ माउंट्स आते हैं, हेलमेट माउंट जिसमें से एक होता है जिसके एक साइड पे डबल साइड टेप लगी होती है, तो अगर आप वो लगाते हैं, मैंने अपने हेलमेट पे वो लगाया था एक्चुअली अपने स्पीति ट्रिप पे जब हम लोग 2018 में गए थे, तो अगर आप वो लगाते हैं तो गोप्रो वाला ही लगाएं, कोई थर्ड पार्टी या ऐसे ही ना लगाएं, क्योंकि गोप्रो वाला मेरे हेलमेट पे अभी तक लगा हुआ है। लाइक 2018 में हम लोग गए थे, अभी 2022 चल रहा है और वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। हालांकि वो इतना रेगुलर यूज़ हुआ नहीं है, लाइक वेरी ओकेजनली होता है वो यूज़ जब भी हम कहीं ट्रिप्स पे जाते हैं। तो अभी तक मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो कभी कभार मैं उस पर गोप्रो का लगा लेता था जब कभी रेंट पे लिया, तो हाँ वो साल में एक आध बार या दो बार मैक्स यूज़ होता है, तो ये लगा लो कि 4 साल में शायद 8-9 बार लॉन्ग ट्रिप्स पे यूज़ हुआ होगा, बट हाँ यूज़ हुआ है और अभी तक वो जो है अपने जगह पे एकदम टिका हुआ है। फिर इसमें मैंने कई ऑप्शंस देखे थे जिसमें लोगों ने MCL से भी जो है चिपकाए हुए थे, या फिर लोग अडेप्टर बाहर लगा लेते हैं, तो यार मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। वो कहीं पे भी अगर आप हेलमेट को छोड़ते हैं तो निकल सकता है। अरे हेलमेट में एक साइड में माउंट लगाया था मैंने, और माउंट क्या वो बेसिकली माउंट पे ब्लूटूथ वाला जो अपना सेटअप आता है कम्युनिकेशन के लिए वो लगाया था, तो वो एक सस्ते 3M टेप के माउंट पे मैंने चिपकाया था उसको और फिर वहाँ पे लगाया था, तो वो मेरा एक ट्रिप पे ही निकल गया था बेसिकली। जो अपनी स्पीति वाली ट्रिप थी 2018 की, उसमें करते करते ही ट्रिप करते करते ही बेसिकली वो हेलमेट उतारो लगाओ तो साइड में लग लग के ही उतर जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है अगर आप साइड में माउंट करते हैं तो। बट अगर आप सामने की तरफ माउंट कर रहे हैं ना तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बट साइड में यार मतलब केयरलेसनेस हो ही जाती है और फिर यहाँ बहुत भीड़ है यार आज।
तो हाँ हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे साइड में अगर आप लगाते हैं, साइड में माउंट करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि वो टूट गया है, मैंने बहुत बार लगाया है। फिर उस ब्लूटूथ सेटअप को लगाने की काफ़ी बार कोशिश करी, इसी हेलमेट पे था वो, बट वो नहीं लगा, तो फिर अल्टीमेटली मैंने निकाल के जो है फेंक दिया उसको। और वो था भी चाइनीज़ सही, तो ज़्यादा चला भी नहीं वो। तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ, होपफुली आवाज़ जो है बेटर आई होगी, ज़्यादा कुछ फटी नहीं होगी। माइक जो है बहुत ही पास आ गया है मेरे, और हो सकता है कि यार आपको जो है एको सुनाई दे रही हो, तो मुझे माइक को फिर से जो है सेट करना पड़ेगा। यार मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मेरे लिए भी ये हिट एंड ट्रायल रन ही है कि कौन सा सेटअप मेरे लिए चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो इसमें जो है मोआनो का सबसे सस्ता वाला जो माइक था, मैं सबसे सस्ता ही मोटो व्लॉगिंग सेटअप अभी सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार इतने सारे ट्रायल रन्स और इतने सारे सेटअप्स ट्राई करने के बाद मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप जो है फिगर आउट कर लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं सेटअप के बारे में। तो ये है गोप्रो जो मेरे पास पहले से था, मैंने अभी सेटअप के लिए नहीं खरीदा है। तो अगर आपके पास गोप्रो नहीं है और आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक्शन कैमरा ले सकते हैं, एसजे कैम ले सकते हैं, या कोई भी और अदर कंपनी का जो है अपना एक्शन कैमरा ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप गोप्रो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गोप्रो लीजिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कैमराज दैट यू कैन गेट। तो अब अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ अपने व्लॉगिंग सेटअप में, तो ये है गोप्रो का माउंट। तो ये गोप्रो का माउंट मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप ये अडेप्टर जो है कनेक्ट करेंगे गोप्रो में, तो आपको साइड से कनेक्ट करना पड़ता है। तो या तो आपको ये पैनल निकालना पड़ेगा या आपको हैंगिंग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा बंद नहीं होगा। तो जब ये पूरा बंद नहीं होगा तो उससे क्या, उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये वाटर प्रूफ नहीं रहेगा और दूसरा है डस्ट प्रूफ भी नहीं रहेगा। तो वाटर प्रूफ तो ये केस लगाने के बाद भी नहीं रहेगा, बट केस लगाने के बाद काफ़ी हद तक जो है डस्ट प्रूफ हो जाएगा। तो डस्ट से आपको लॉन्ग रन में या बहुत जल्दी एक्शन कैमरा ख़राब होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप हीरो 9 या हीरो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप ये केस ले सकते हैं। ये केस लेने से फ़ायदा क्या है, यहाँ पे साइड में एक आउटपुट या इनपुट के लिए बनाया गया है एक स्पेस अलग से, यहाँ पे आप डायरेक्टली वो कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दो कोल्ड शू माउंट्स भी हैं, तो अगर आप इसको व्लॉगिंग के लिए रात में यूज़ करना चाहते हैं अपने गोप्रो के साथ, तो आप यहाँ पे लाइट लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें अगर माइक कनेक्शन की गोप्रो में, तो गोप्रो के लिए आपको अडेप्टर लेना पड़ता है। ये अडेप्टर अराउंड 4000 के आसपास का आता है। अगर मैं मैक्सिमम कॉस्ट की बात करूँ तो मेरे को भी 3800 के पर 3700 का पड़ा था। तो अगर आप गोप्रो नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपको केस और इस अडेप्टर की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप कोई और एक्शन कैमरा लेंगे तो मे बी उसमें डायरेक्टली आपका माइक जो है कनेक्ट हो जाए। तो आप वो अपने हिसाब से इसकी कॉस्ट को अपने व्लॉगिंग सेटअप में से घटाया बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है व्लॉगिंग सेटअप में, वो है ये चेन माउंट और हेलमेट के लिए एक माइक। तो हेलमेट के लिए एक माइक लेते हुए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, उसमें वायर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वायर इतनी होनी चाहिए आप कंफर्टेबली माइक को अपनी पोजीशन पर सेट कर पाए, और ये भी जो है बाहर निकला हुआ हिस्सा ये भी आराम से आपके गोप्रो में कनेक्ट हो जाए और गोप्रो को थोड़ी सी मूवमेंट मिल जाए। ट्रायल करने के बाद मेरे को ये वाला जो चिन माउंट है ये सही लगा। इसमें ये जो आपका हुक है ये फिक्स्ड है, ये इसलिए मेरे को सही लगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी गोप्रो के साथ मूवमेंट हो जाती है। जे हुक वाला जो इससे पहले मैंने मंगाया था, जो आपने अनबॉक्सिंग में देखा होगा, उसमें क्या है गोप्रो के उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी केस के साथ। तो गोप्रो का जो कैमरे का लेंस है, फेस है, वो हमेशा नीचे की तरफ था, आपने मेरे ट्रायल वन में देखा होगा। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब मैंने गोप्रो के लिए माइक कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल अडैप्टर लेना है, फिर उसको बचाने के लिए केस लेना है, तो मैंने मीडिया मॉड क्यों नहीं लिया। तो मीडिया मॉड मैंने वहाँ पे मैं कहूँगा मैंने 2000 रुपये बचाए हैं। मीडिया मॉड मैंने बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मीडिया मॉड जो है 6800 या 7000 तक का आता है, और केस प्लस अडेप्टर की कॉस्ट मिला के मेरे को 4500 से 5000 के बीच में पड़ती है। तो वहाँ पे आप 1800 से 2300 रुपये तक बचा सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने मीडिया मॉड नहीं लिया, और प्लस मीडिया मॉड के माइक से कुछ ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। तो दोस्तों ये था मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, और इस साल आपको बहुत से एक्साइटिंग मोटो व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारे जो दो प्लान हैं इस साल के लिए, मेन प्लान्स तो हैं कि एक बार हम लोग इस साल नॉर्थ ईस्ट विजिट करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, और जो दूसरा प्लान है जो बहुत जल्दी जून या जुलाई या मई में मटेरियलाइज होने वाला है, वो है कि हम लोग इस साल अपनी थार के साथ कैंपिंग करेंगे जांस्कार या स्पीति वैली रीजन में। तो वहाँ पे हम प्रॉपर कैंपिंग करेंगे, उसके बारे में जल्दी मैं अपडेट पब्लिश करूँगा अपने चैनल पे जैसे ही वो प्लान पूरा मटेरियलाइज होगा। तो ये सब देखने के लिए दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को।